अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। क़यामुद्दीन क़याम ने कहा था, ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है। इको कम कर दे। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है, हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। ये गजल का हुस्न है, समाप्त करें। ये गम, ये मुफलिसी, ये तंग दस्ती मार देती है, हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। और गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? यहां मजदूर के बच्चे को सर्दी मार देती है। गरीबों पर सितम का सिलसिला ये खत्म कब होगा? यहां मजदूर के बच्चे को सर्दी मार देती है। और जो सच्ची बात को झूठों के आगे बोल सकता है, जो सच्ची बात को झूठों के आगे बोल सकता है, उसे तन्हाई में ये दुनिया गोली मार देती है। जो सच्ची बात को झूठों के आगे बोल सकता है, उसे तन्हाई में ये दुनिया गोली मार देती है। दोस्तों, शायरी का हुस्न, शायरी का जायका आपके हमारे हालात हुआ करते हैं, और हालात की शायरी इस वक्त जिस शायर का हिस्सा है, सरजमीन गोंडा से तशरीफ़ लाने वाले शायर, उत्तर प्रदेश की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले शायर मोहतरम इमरान गोंडवी साहब का हिस्सा है। जब वो माइक पर आएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि इस माइक से इमरान गोंडवी नहीं बल्कि आप बोल रहे हैं। आपकी बातों को यहां से पहुंचाने वाला शायर इमरान गोंडवी आपकी समातों तक मैं पहुंचा रहा हूं। एक मर्तबा एक एक शख्स जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएगा। मोहतरम इमरान गोंडवी साहब आपकी समातों के हवाले आप तक पहुंचाएं। इस मुशायरे के अध्यक्ष अली जनाब विजय मुंडे सर और साथ ही साथ टीपी मुंडे सर, जिसकी अभी आमद होने वाली है, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपने अज़ीज़ और मोहतरम अजमत ख़ान साहब को और उनके तमाम रुफ़का दोस्त व अहबाब और सब आए हुए ज़ियाले ज़िंदा दिल सामईन को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं चार मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ जी करूँगा। अता करें। और सबसे बड़ी मुबारकबाद के लायक और बड़ी बात यह है कि हमारे इस मुशायरे की सदारत जो है अली जनाब वाहिद अंसारी साहब फरमा रहे हैं, और निज़ामत के फ़राइज़ का अंजाम जो दे रहे हैं उन्हीं के साहिब दादे, उन्हीं के लगते जिगर राशिद अंजुम साहब बड़ी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। काफ़ी देर से आप हजरात को इर्जा कर रहे हैं, उन्हीं की काविश है कि आप उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हाजिर आए और मुझ जैसे तिफले मकतब को सुने, यही ज़रा नवाजी आप जी जी अता करें, अता करें। मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, लहजा फरमाएं इनाय थोड़ी से एक को दे दीजिएगा इस मिसरे ने। कि कोई तारीख बने ऐसी कयादत करना, कोई तारीख बने ऐसी कयादत, कोई तारीख बने ऐसी कयादत करना, टूट कर अहल मोहब्बत से मोहब्बत करना, कोई तारीख बने ऐसी कयादत करना, टूट कर अहल मोहब्बत से मोहब्बत करना। मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, जान ले कर रंग की रंग की हिफाजत करना, जान दे कर भी तिरंग की हिफाजत करना। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई।
और हम तो इस मुल्क पा मिट जाने का दम रखते हैं, हम तो इस मुल्क पर मिट जाने का हम तो इस मुल्क पर मिट जाने का दम रखते हैं, हम सितमगर के सितम का भी भरम रखते हैं, हम सितमगर के सितम का भी भरम रखते हैं। फतह मिलती है हमें तीन सतेरा की तरह, फतह मिलती है हमें तीन सौ तेरा की तरह, माँ की जब लेके दुआ जन्म कदम माँ की जब लेके दुआ जन्म कदम रखते हैं। बहुत अच्छे से मैं अपने इन्हीं जियाले और जिंदा जी सामीन के हवाले से और शोराए कराम के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। फरमाए कि जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो, जो अंधेरे हैं चरागों के जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो, और चरागों को हवाओं के हवाले कर दो, और चरागों को हवाओं के हवाले कर दो। हाथ में इज्जत दिलत खुदा के पेशा, हाथ में इज्जत दिलत खुदा के पेशा, फैसला माँ की दुआओं के हवाले दो, फैसला माँ की दुआओं के हवाले कर दो। कहने भाई इमरान साहब बाबा नवाजिश, मैं चार मिसरे और ही माँ के ताल्लुक से पढ़ूंगा। जी भाई जी अदा कर। कि डूबोने लगे जब भंवर ख्वाहिशों के, डूबोने लगे जब डूबोने लगे जब भंवर ख्वाहिशों के, मेरी नाव को ना खुदा ने संभाला, मेरी नाव को ना खुदा ने संभाला, कहीं पर जो मेरे कदम डगमगाए, कहीं पर जो मेरे कदम डगमगाए, मुझे मेरी माँ की दुआ संभाला, मुझे मेरी माँ की दुआ संभाला। डूबोने लगे जब इतने अच्छे मिसरे इमरान गोंडवी साहब ने पढ़े, कम से कम आपकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए। कम से कम आप नहीं आवाज दे सकते हैं तो जोरदार तालियां ही बजा दिया करें जब कोई अच्छा सा मिसरा आपकी समातों तक पहुंचे। हम अपने अध्यक्ष आली जनाब विजय मुंडे सर के हवाले से ये कौमी यकजहती का चार मिसरा पेश कर रहा हूं। जी भाई जी अता करें। कि अभिमान सम्मान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, जो भी हुआ नुकसान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, जो भी हुआ नुकसान हमारा लौटा दो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, ऐसा हिंदुस्तान लौटा दो, ऐसा हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छे इमरान साहब, ऐसा
ہندوستان ہمارا لوٹا دو. اور چار مصرے. ایک جہد کی ایک شمع جلانے لگا ہوں, جلانے میں لگا ہوں, ایک جہد کی ایک شمع جلانے میں لگا ہوں, جلانے میں لگا ہوں, میں ہندو مسلمان کو ملانے میں لگا ہوں, ایک جہد کی ایک شمع جلانے میں لگا ہوں, جلانے میں لگا ہوں, میں ہندو مسلمان کو ملانے میں لگا ہوں, ملانے میں لگا ہوں. او کچھ تو اثر ہو گئی, کچھ دیر اثر ہو گئی, جل جائے گا تھارا, نفرت کی لگی آگ بجھانا بجھانے میں لگا ہوں, نفرت کی لگی آگ بجھانے میں لگا ہوں, بجھانے میں لگا ہوں. واہ واہ واہ, بہت اچھے, واہ واہ, کیا کہنا. اور اپنے بزرگوں کا وہ زمانہ یاد کرو, اپنے بزرگوں کا وہ زمانہ یاد, اپنے بزرگوں کا وہ زمانہ یاد کرو, گاتے تھے مل کر جو ترانہ یاد کرو, اپنے بزرگوں کا وہ زمانہ یاد کرو, گاتے تھے مل کر جو ترانہ یاد کرو. ارے چھوڑ کے ایک دن اس دنیا کو جانا ہے, اس دنیا کو جانا ہے, دنیا والوں اصل ٹھکانا یاد, دنیا والوں اصل ٹھکانا یاد کرو, دنیا والوں اصل ٹھکانا یاد کرو. اور میں چار مصرے ایسا پیش کر رہا ہوں, آپ حضرات سمجھ جائیں, کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں, حضرات اپنا کام کریں, سمجھ جائیں گے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. کہ تخت شاہی, تخت شاہی نہ رہے گا نہ حکومت تیری, تخت شاہی نہ رہے گا نہ حکومت تیری, بھیک منگوائے گی ایک دن تجھے قسمت تیری, منگوائے ایک دن تجھے قسمت تیری, تخت شاہی نہ رہے گا نہ حکومت تیری, بھیک منگوائے گی ایک دن تجھے قسمت تیری, او پارسائی نہ دکھا وقت کا قاتل تو ہے, پارسائی نہ دکھا وقت کا قاتل تو ہے, ساری دنیا کو ہے معلوم حقیقت, ساری دنیا کو ہے معلوم حقیقت تیری, ساری دنیا کو ہے معلوم حقیقت تیری. ابھی صاحبہ نگار صاحبہ نے ایک غزل پڑھی, وہ بڑی خوبصورت غزل پڑھی, اچھے اچھے الفاظ تھے, اچھے مفہوم تھے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ترانہ پیش کروں قومی یکجہتی کے طور پر, لہجہ فرمائیں. الفت خلوص و پیار کا لایا ہوں میں پیغام, کیا بات. پرلی والوں آپ حضرات کی محبتوں کو سلام, اور یہ میری نظر. الفت خلوص و پیار کا لایا ہوں میں پیغام,
भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम, से प्यार कलाया हूँ मैं पैगाम, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम, खादिम हूँ अहले दिल का, खादिम हूँ अहले दिल का, सियासत का हूँ इमाम, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम, उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम। अरे करता है सुबह शाम ये ऐलान तिरंगा, ये मेरा पैगाम मेरे दोस्तों परली वालों, अगर आपने अपने दिल में जमा लिया बैठा लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना, मेरा आने का मकसद वसूल हो गया। क्या बात है, करता है सुबह शाम ये ऐलान तिरंगा, जो अहले मोहब्बत है वो पढ़ते नहीं दंगा, जो अहले मोहब्बत है वो पढ़ते नहीं दंगा, करता है सुबह शाम ये ऐलान तिरंगा, जो अहले मोहब्बत है वो करते नहीं दंगा, जो अहले मोहब्बत है वो करते नहीं दंगा, पीते हैं सरहदों पे सरहदों पे शहादत का हक के जान, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम, उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम। ओ किस मुल्क किस दिशा में है चर्चा नहीं मेरा, अपने मुकद्दर पे नाज करो, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हर जगह चर्चा है। क्या बात, किस मुल्क किस दिशा में है चर्चा नहीं मेरा, बतलाओ किस जगह पे है कब्जा नहीं मेरा, बतलाओ किस जगह पे है कब्जा नहीं मेरा, अमरीका हो के चीन हो, अमरीका हो के चीन हो, जर्मन हो के दम्मान, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम, उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम। और आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूँ दोस्तों जी, ये ना कि तुम मेरी हकीकत को मिटा पाओगे कैसे, तुम मेरी हकीकत को मिटा पाओगे कैसे, कश्मीरा जमाने में घटा पाओगे कैसे, कश्मीरा जमाने में घटा पाओगे कैसे, अपने तो अपने गैर भी, अपने तो अपने गैर भी करते हैं तेरा, भारत है मेरा नाम जी, भारत है मेरा नाम। भाई बहुत बहुत मुबारकबाद अली जनाब इमरान गोंडवी साहब ने, आप लोगों की भरपूर मोहब्बतें हासिल की और आपने पूरे दिल के साथ पूरा दिल लगाकर उन्हें सुना, अपनी मोहब्बतों से नवाजा, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा आप अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा लें, बिल्कुल शायरों को इसी तरह नवाजना चाहिए, इसी तरह मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि शायर बहुत मेहनत से एक दो मिसरा एक मिसरा बहुत मेहनत से लिख कर लाता है और यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए सुनाता है कि आप उसे मोहब्बतें दे दें। ये जितने शायर यहाँ पर बैठे हुए हैं इनसे पूछ लीजिए, ये अगर आप इनसे कहोगे कि आप सोना ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, आपकी गज़ल आपका मिसरा आपका शेर दे दीजिए,
ये मना कर देंगे, नहीं लेंगे आपका सोना भी हीरा भी, कोई जवाहरात नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ वो अपना मिसरा उस वक्त देंगे जब आप अपने दिल से मोहब्बतों के साथ बाहबा कह दोगे या उसे अपनी मोहब्बतों से नवाज दोगे। यही कीमत होती है एक शायर के मिसरे की, जो आप कर रहे हैं अब इतनी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। मैं आपकी समातों को सलाम अर्ज करता हूँ। और इमरान गोंडवी साहब ने इस मुल्क के हवाले से, यकजहती के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे मिसरे पढ़े, उसके लिए मैं खुसूसी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपनी ज़मीन से हर शख्स मोहब्बत करता है।